सर, मैं आपसे फिर क्षमा मांगती हूँ। इससे ज्यादा जो आप कहेंगे सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, जय श्री राम एवरीबॉडी, भारत मार, यू नो, आपको बधाई हो। हम इधर विकास ग्रोवर जी हैं, बजरंग दल के हैं, और नरेंद्र भाई हैं, नरेंद्र शर्मा जी हैं, वीएचपी के हैं, सब हरियाणा के हैं, मोहन कौशिक जी हैं जो वीएचपी का अटर्नी हैं, यू नो, सबका बधाई हो और वेलकम। यू नो, आई नो सेंट मैरीज स्कूल में जो भी हुआ आप लोग उसको ऐसा निकाले, उसमें तूफान बन के अंदर गए, उसमें काम निकाले, यू नो, बहुत कुछ फर्क आने वाला है आपका काम के वजह से। हैं, बहुत लोग आपको धन्यवाद देते हैं ऑनलाइन में भी, यू नो, हमारे तरफ से, हमारा रीडर्स की तरफ से भी आपको धन्यवाद देते हैं। ओके, अभी बोलिए कैसा हुआ सेंट मैरीज में। भाई साहब, सेंट मैरी स्कूल के अंदर हमने बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया, और जब हम उस स्कूल के आगे हम बैठे तो स्कूल की प्रिंसिपल सबसे पहले तो हमारे बराबर में आके विद स्टाफ, अपने स्टाफ के सहित हमारे साथ दरी में बैठ गई, और उन्होंने हमें से आग्रह किया भी आप जिस तरह की सजा दोगे हम भुगतने के तैयार, जैसा भी आप चाहोगे हम आपके बीच में बैठे हैं, जैसी सजा दोगे हम उस सजा के प्रति पूरी 1% भी कमी नहीं आने देंगे। तो हमने ये निर्णय लिया, हमने 9 मेंबरी कमेटी बनाई, और 9 मेंबरों के अंदर बैठ के डिसीजन हुआ, सबसे पहले तो स्कूल का नाम बदला जाए, स्कूल का नाम बदला जाएगा, और उसके बाद स्टाफ सहित 10 दिनों तक वो किसी मंदिर के अंदर वहां पे सेवा करेंगे, चाहे वो सफाई का कार्य हो, चाहे जो भी हो, मंदिर के अंदर सेवा करेंगे, और उसके बाद वो अपने स्कूल के अंदर रामायण का पाठ करेंगे। उसके अंदर जितने भी पेरेंट्स हैं उनके माता पिता को बुलाया जाएगा, और जितने भी शहर के गणमान्य लोग हैं उनको बुलाया जाएगा, और इसके अलावा स्कूल के अंदर हर मंगलवार शनिवार प्रेयर के अंदर, प्रार्थना के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। इन शर्त सभी ने अपनी सहमति दी, और फिर सभी ने निर्णय लिया भी ठीक है ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल बढ़िया। क्या नाम, नया नाम कब होने वाला है, कब होने, क्या होने वो वाला प्रोसेस है? वो प्रोसेस है, उन्होंने कहा था भी हम 2 दिन में अपनी फाइल लगा देंगे, इसका टाइम होता है स्कूल का नाम बदलने का, वो नाम वो रखेंगे सनातनी अपनी परंपरा के अनुसार। किसी ने सुझाव दिया यशोदा पब्लिक स्कूल रखे, किसी ने कहा संत कबीर रखे, किसी ने कहा संत मीरा रखे, हमने उनको कोई दबाव नहीं डाला, नाम अपनी मर्जी से रखना, पर नाम ईसाइयत पे नहीं होना चाहिए, नाम अपना सामाजिक जो अपने हिंदू विचारों का होना चाहिए, हमने इतना ही कहा। बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र भाई, क्विक क्वेश्चन टू यू। यस, यू नो, सी, जब वीएचपी और बजरंग दल एक्टिव होता है बहुत कुछ होता है काम, यू नो, आजकल ये एक्टिव नहीं है, यही प्रॉब्लम है सारे जगह। विश्व हिंदू परिषद जो दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू संगठन है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है सर, 100%। हम जो भी आंदोलन अपने हाथ में लेते हैं 100% उसको कामयाबी तक लेके जाते हैं। सो विश्व हिंदू परिषद एक्टिव नहीं है ऐसा नहीं है, बट जो आंदोलन हम बड़ी रणनीति के साथ फिर आगे चलाते हैं, निश्चय कर अपनी विजय करें, इसमें बिलीव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वकील साहब, ये क्यों ऐसा हिंदू ग्रुप ऐसा क्यों क्रिश्चियन नाम क्यों रखते हैं, ईसाई नाम क्यों रखते हैं? मेरे ये तो पता लगा कि ये तो कन्वर्टेड क्रिश्चियन तो नहीं है ये स्कूल का। मैंने बताया कि ये ना हम लोगों के हिंदुओं के अंदर एक हीन भावना है कि हम कमजोर हैं,
और ये अंग्रेज लोग है ना, ये हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, ये ज्यादा वाइज है, ये लोग ज्यादा टेक्निकल साउंड है। ये चीजें जो ना हम हिंदुओं को अखरती है। हमें लगता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश बोलेगा तो उसका फ्यूचर अच्छा होगा, हमारा बच्चा पानी की तरह इंग्लिश बोलेगा तो अच्छा बनेगा, वो जहाँ जाएगा सब रिस्पेक्ट होगी उसकी, जहाँ कहीं जाएगा कहीं भी जाएगा इंग्लिश में बोलेगा तो सब लोग बड़े गौर से देखेंगे जैसे किसी दूसरे घर से आया हुआ प्राणी हो। रिस्पेक्ट जुटी चाहिए सबको, उससे कोई मतलब नहीं है संस्कार पड़े या ना पड़े, लेकिन वो पानी की तरह इंग्लिश बोल रहा है तो सब सोचते हैं अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया। आप जो बोल रहे हैं अभी सही है, मगर मेरा सवाल दूसरी तरफ है। ओके, ये जो हरियाणा में आज कितना ऐसा हिंदू स्कूल है, वो सब्सिडी के कारण से या दबाव के कारण से ये जो ईसाई का नाम रख के अपना धंधा चलाते हैं, ये कितना स्कूल होते हैं? आई थिंक 2-3 तो बड़े स्कूल हैं ही, छोटे मोटे की तो गिनती नहीं है जो गलियों कूचों में खुले हुए हैं। 2-3 तो स्कूल ऐसे जरूर हैं जो बड़े हैं जो क्रिश्चियन नाम से अपना काम चला रहे हैं, और जबकि ऐसे स्कूलों की तो कोई गिनती नहीं है जो हर गली कूचे में क्रिश्चियन कन्वेंट के नाम से खुले हुए हैं। कन्वेंट स्कूल लिखेंगे नाम से, कुछ भी हो कन्वेंट लिखेंगे। तो वो ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि जी हम तो सारा सब कुछ, हमारा टीचर भी इंग्लिश मीडियम है, हम इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, सब इंग्लिश में, हमारा सब कुछ इंग्लिश में, आपका आप बच्चा यहाँ पर आएगा तो अंग्रेज बन के दिख ली और ऐसा अपना ग्रंथों को अपमान भी करते हैं उनके जैसा। ये है हिंदुओं में एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है, ये उसकी वजह से। एब्सोल्युटली नरेंद्र भाई, ये बोलिए कि ऐसा जो संगठन हिंदू संगठन, जो हिंदू स्कूल है वो ईसाई का नाम पे चला के ऐसा काम करते हैं, उनको भी बदनाम करते हैं, हमें भी बदनाम करते हैं, इनको नाम बदलवाने का काम चालू होना चाहिए, क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल होना चाहिए, और विश्व हिंदू परिषद अब इस बात पर भी चिंतन करेगी, और ये विषय अब ध्यान में आया है बहुत, कि ऐसे क्रिप्टो क्रिश्चियन बोलते हैं हम लोग उनको, क्रिप्टो क्रिश्चियन भी है समाज में, और वो नाम जो है वो कुछ भी रख लेते हैं पर अंदर से अपना कन्वर्जन का काम करते हैं, और जो स्कूलों में बच्चों को सही संस्कार नहीं दे रहे हैं, वो मैकॉले एजुकेशन को पूरी तरह से फॉलो करते हैं, इसलिए अपने माँ बाप को, अपने कल्चर को आजकल बच्चे गालियां देनी, अपने ही देश को गाली देनी शुरू कर देते हैं ये लोग। तो ये एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है, चिंतन है, इस पे विश्व हिंदू परिषद का भी ध्यान गया है, ऐसे स्कूलों की लिस्ट बनाई जाएगी जो इस प्रकार से झूठे रूप धारण करके चल रहे हैं, और उनका पर्दाफाश किया जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया काम है, ये अगर आपका करने में हमारा पूरा समर्थन रहेगा। आप इस चीज में कुछ बताना चाहेंगे? ये जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है क्रिप्टो क्रिश्चियंस, जो अपने नाम स्कूल का नाम क्रिश्चियन रख के, तो सबसे पहले तो हमें अपने घरों में अपने बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा, और उनको ये बताना पड़ेगा ये क्रिसमस जो स्कूलों में मनाया जाता है ये हमारा त्योहार नहीं है, हमारा त्योहार जन्माष्टमी है जो स्कूलों में मनाया जाना चाहिए, और हमारे बच्चों को इनकी जो सांता सुंता क्लोज की जो ड्रेसें डाली जाती हैं वो घरों से, उनको स्कूल के अंदर पेरेंट्स जाके सख्त मना करे, हमारी बगैर अनुमति के हमारे बच्चे को सांता क्लोज नहीं बनाना है। बिल्कुल, ये संस्कार जब परिवार से दिया जाएगा जी, जब संस्कार परिवार से दिया जाएगा तो स्कूल वालों की हिम्मत नहीं है। अच्छा, ठीक बात है, बिल्कुल आपको करना चाहिए, इसको करने के समय बताइए, हम ये इसका कार्यक्रम को भी हम करेंगे, क्योंकि आ रहा है ना December 25th, तो पास में आ रहा है। मेरा बेटा मेरे पास बैठा है और ये स्कूल में पढ़ता है, DAV में पढ़ता है, और इसको इसकी टीचर ने बोला भी आपने वो ड्रेस डाल के आनी है, और इसको इतना पता है भी हमारा त्योहार नहीं है, ये खुद आके बोला पापा मैंने नहीं डालनी, तो बगैर अनुमति के कैसे डलवा देंगे? बिल्कुल ठीक है, ये DAV स्कूल जो है वही है वो इसको मना किया। हाँ, हम करेंगे डेमोक्रेटिक राइट बोल के जी, हाँ? उसमें क्या एक्शन प्लान करने वाले हैं आप? एक्शन ऐसा है जी, वो हमने जो इनका एरिया का जोन का जो मैनेजर है इनका, उसको शिकायत दी है, डीएवी संस्था बड़ी बड़ी है, हम दिल्ली इनके हेड ऑफिस तक उस प्रिंसिपल को बाहर निकालने के लिए मांग पत्र देंगे और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाएंगे हम। अच्छा, ये कोई क्रिप्टो क्रिश्चियन होगा मेरे ख्याल से?
ये कोई बात नहीं, क्रिप्टो क्रिश्चियन किधर से भी आ सकता है, कोई इसमें फर्क नहीं है, वो ब्राह्मण समाज का हो, क्षत्रिय का हो, किधर से भी हो, इट डजंट मैटर मच। तो उस मैडम को हमने अच्छी तरह सबक सिखाना है। या आपने कुछ ये बोल रहे थे वर्जिन मेरी के बारे में नाटक लगाएंगे बोल के 25th को, क्या हमने मैंने ऐसा एक अपने संगठन के जो टोहाना के क्षेत्र के लोग हैं, अपने कार्यकर्ता हैं भजन दल के, तो उनको कहा है हमें भी कोई ऐसा नाटक तैयार करना चाहिए जो इनको पता लगे, क्रिश्चियन स्कूलों को पता लगे, तो ऐसी योजना बना रही है, आपसे चर्चा कर लेंगे भाई सर। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए हमें क्या कर रहे हैं बोल के, हम इसके हिसाब से करेंगे। और वकील साहब से आपका सहयोग जरूर लेंगे भाई सर। बिल्कुल वकील साहब, और आप बताइए ये जो स्कूल अभी है सेंट मेरी स्कूल जो था, यू नो वो क्या सब्सिडी ले रहे थे क्या वो स्कूल? मेरा ये कहना है कि हमें हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एजुकेशन सिस्टम इस तरह का है कि वो प्रमोट कर रहा है इन चीजों को। आप एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसके ऊपर बहुत ही ऑब्जेक्शन, हाईली ऑब्जेक्शन उठा हुआ है इस पे। मेरे को लगता है कि पेटिशन भी डली हुई है, रिट पेटिशन सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इनके जो कंटेंट्स है ना वे हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ये भी प्रमोट कर रही हैं इनको, अल्पसंख्यकों को या माइनॉरिटीज को। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें जब स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, इनको जो हमारा करिकुलम है एनसीईआरटी की बुक्स का या दूसरे किसी भी प्रकाशक की बुक का, तो उसमें ऐसा दिखाया जाता है कि हिंदू थोड़े से इन्फीरियर होते हैं, हिंदू थोड़े से गंदे हैं, और ये जो मुस्लिम है या क्रिश्चियन है ये साफ सुथरे हैं, ईमानदार हैं, अच्छे हैं। इसी तरह का सिनेमा दिखाया गया है आज तक 70 साल में कि भाई ये जो ईमानदार हैं मुस्लिम लोग, क्रिश्चियन लोग बड़े धर्म के पक्के हैं, बहुत अच्छे हैं, और ये ना आपने वो सही है। मगर ये स्कूल जो है सेंट मेरी स्कूल जो था वो क्या सब्सिडी ले रही थी क्या गवर्नमेंट से? नहीं 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 विकास बोर्ड, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने नामवत ट्रेंड के अकॉर्डिंग रखा था, प्रभावित होकर बच्चे हमारी तरफ ज्यादा है। अच्छा, हमने पूरा मतलब ऐसा नाम रखने में बच्चे ज्यादा आते हैं, अंग्रेजी का अच्छा सिखाते हैं, और वो कोई क्रिप्टो ईसाई नहीं है, कोई ईसाई धर्म से उनका कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, यही है और वकील साहब, या बिल्कुल वकील साहब ये बोलिए, मोहन कौशिक जी ये बोलिए, क्या हम कोई PIL लगा सकते हैं इसके खिलाफ अपना स्कूल को बचाने के लिए? जैसा अपना अपना मंदिर संकट में है, स्कूल संकट में है, फिर क्या है हमारे पास? सर PIL लगाने से मेरे को लगता नहीं कि थोड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी आदमी बैठे हुए ना ये सारे के सारे लेफ्टिस्ट हैं। अभी एक वसीम है जिन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो 26 आयात हैं कुरान की वे हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, तो ये ना प्रतिबंधित कर दी जाए, इन पे रोक लगाई देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उस पिटीशन को डिसमिस किया बल्कि उस पर कॉस्ट भी भारी लगाई। यस यस, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, अब मैं कहना नहीं चाहता, हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट है नहीं, फिर क्या क्या रास्ता है हमारे पास? आंदोलन करें क्या? VHP कुछ करना चाहिए, बजरंग दल कुछ करना चाहिए, उसके अलावा हमारे पास में कुछ भी नहीं है। आंदोलन क्या है? सबसे पहले समाज को खड़ा करना, समाज का जागरण जो विश्व हिंदू परिषद कर ही रही है। समाज जागेगा तो ये पॉलिटिशियन तो अपने आप ही जाग जाते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट कोई भी कोर्ट है जनमत के आगे नहीं ठहरता है, पार्लियामेंट के आगे कोई बड़ा नहीं है। एक बार पार्लियामेंट पे दबाव हो ये राजनेताओं पे, ये सारा कोर्ट सब 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 रास्ते पे आ जाएंगे, सब सीधे हो जाते हैं। बिल्कुल सही, मैं भी यही कहने वाला था। धन्यवाद आप सबको, बहुत अच्छा लगा बात करके, बहुत ये शुरुआत है हमारा विक्ट्री का, यू नो आप लोग बहुत अच्छा काम किए, you know, thank you very much for what you did, each one of you. Lot of FIRs have been filed by Mohan Kaushik bhai too, right? Dilipan ji, aapka bahut bahut dhanyabad, aise topics pe pure world mein isko viral karwane ke liye aur aise vishayon par logon ka dhyan akarshit karne ke liye, aapka Dilipan ji, aapke pure channel ka bahut bahut dhanyabad, Vishwa Hindu Parishad ki taraf se. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram.